तो सुबह के बज गए हैं 6:45, 7:15 बज गए हैं और यहाँ पे मैं अपना प्री ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैं खा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू एंड वॉलनट पिस्ता, एंड साथ ही मैं काढ़ा ले रही हूँ। वेलकम बैक टू माई लाइफ विद करिश्मा चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग के बज गए हैं 11:30। मैं उठी थी 9:30 बिकॉज पता है हमारी जो बिटिया है वो रात में 3:30 सोई है, मतलब लेट सोती है वो एक्चुअली। 3:30-4 बजे तक वो सो गई थी, तो उसके बाद हम सोए और वंश भी इतने देर तक उठा था इसलिए मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। स्कूल आजकल नहीं जा, मतलब प्रॉपर नहीं जा पा रहा है। मतलब 2 डेज हॉलीडे, फिर 1 डे जाता है, फिर 3 डेज हॉलीडे, ऐसा कुछ जाता है। बट इट्स ओके क्योंकि वंश स्टडी में बहुत अच्छा है ना मेरा बेटा, बहुत अच्छा कवर अप कर लेता। गो एंड फर्स्ट यू वॉश योर फेस एंड ब्रश योर टीथ। गो गो गो, वेरी गुड बॉय, गो। और यहाँ पे सामान आ चुका है ये यहाँ पे, तो मुझे ये सारा सामान रखना है। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज मैंने अपने किचन में कुछ अपडेट कराया है। गो ब्रश योर टीथ एंड वॉश योर फेस फास्ट। और अभी मैं नाश्ता करूँगी, बहुत इम्पोर्टेंट। पहले तो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी हाँ बात मुझसे गेस्ट करो, गेस्ट करो, कमेंट करो, गेस्ट करो। ओके चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ब्रेकफास्ट में आज है पोहा विथ कैरेट, मुझे बहुत पसंद है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड नारियल पानी, और मैंने ड्राई फ्रूट्स और खजूर पहले ही खा लिए थे। वंश फाइनली यू आर वॉशिंग योर फेस। ओके गो फास्ट, यू वॉन्ट टू ईट ना ब्रेकफास्ट, हाँ तो कम फास्ट। और मैं अभी टिफ़िन पैक कर रही हूँ संदीप का, तो यहाँ पे बनी है गरम गरम दाल, एंड इसमें बना है राइस, राइस एंड इसमें आलू की सब्ज़ी बनी है, जो वंश कभी कभार जो सब्ज़ी बनती है नहीं खाता है तो ऑप्शन बना के रखती हूँ। ये चपाती था और ये मॉर्निंग के बादाम कुछ बचे थे, वंश के लिए रखा था, और इसमें सब्ज़ी है, छोले की सब्ज़ी है। और यहाँ पे मैं मैंने जो पापड़ है, कुरडे पापड़, वो मैंने फ्राई करके रखा है। यहाँ पे मैंने डब्बा धोबी के रख दिया है। अभी मैं संदीप का डब्बा पैक करूँगी और ऑफिस चले जाएंगे। यस, तो इवनिंग हो चुकी है और इवनिंग क्या रात होने आई है। एक्चुअली संदीप आज जल्दी आ गए थे तो फिर हम रेडी होके बैठे थे, और उसके बाद मुझे एक बेबी नेस्ट लेना था, दैट मॉस्किटो नेट वाला, वो बेड लेना था। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं विद्या विहार बेबी हग शॉप में, जस्ट डी मार्ट के बाजू में ही है। तो यहाँ पे हमने लिया बेबी का ये मॉस्किटो बेड, बिकॉज आजकल मॉस्किटो बहुत हो चुके हैं, तो फिर वो नेट वाला बेड होता है ना, वो मैं लेने आई थी। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें थे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो मैंने कुछ कपड़े भी ले लिए, कुछ टॉयज़ भी ले लिया दोनों बच्चों के लिए। और ये मेरे घर के नज़दीक है तो ये मुझे बहुत नज़दीक पड़ता है, मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती, मैं स्टोर में ही जाके देख कर लेती हूँ। तो फाइनली हमने ये वाला बेड डिसाइड किया है बेबी को लेने, मतलब बेबी के लिए। बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, बहुत सारी वैरायटी थी, बट अभी मेरी बेबी ऑलमोस्ट थ्री मंथ की होने वाली है, टुमारो उसका 3 मंथ कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैंने जो बड़ी साइज़ का ही मैंने परचेस किया, तो ये वाला मैंने परचेस किया है। और भी बहुत कुछ वैरायटी था पिंक में, येलो में, बट वो उस मुझे नहीं अच्छा लगा, तो ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। और वंश अपने लिए भी दैट मैग्नेट वाला समथिंग कुछ लिया है। और मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी क्योंकि मुझे अभी कॉम्फर्टर भी लेना है बेबी के लिए, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। चेंजेस किया है मेरे किचन में, तो आप यहाँ हमेशा देखते थे वाइट वाला शेल्फ था, तो वाइट हटा के मैंने येलो कर दिया है। और उसी के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें एड ऑन्स किए हैं, जैसे कि ये वाला सेट मैंने मीशो से लिया है, और ये वाला सेट मैंने नॉर्मल शॉप से लिया है, और बहुत सारे ऐसे स्टफ है इसके अंदर है, तो मैं लेटर ऑन पूरा अरेंज करूँगी। और ये वाला सेट भी मैंने मीशो से ही लिया है, बहुत ही बोलते ना 250 अराउंड मुझे मिला था, ये 8 का सेट था। और ये सारी चीज़ें मैंने ली थी इससे, बहुत पहले लिया था मैंने,
मैंने लिया था मार्केट 99 से, और उसके बाद मैंने ओवन यहाँ पे शिफ्ट किया। पहले ओवन यहाँ रहता था, अभी इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी मग, जो मग कॉफ़ी मग या फिर कॉफ़ी कप होल्डर ऐसा बनवा के ले लिया, बिकॉज ट्रॉली में ना कप्स टूट जाते थे, तो उसको मैनेज करना बहुत ही बोलते ना प्रॉब्लम होता था। तो फिर इसलिए मैंने ऐसा स्टफ ऐसा बनवा दिया कि सारे मग्स यहीं पे रह गए। तो ये अभी यहाँ पे भी ऊपर है ना, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, लेटर ऑन मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये अभी अभी फिक्स हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कैसा लगा मेरा ये जो किचन है छोटा सा प्यारा सा। कमेंट करके ज़रूर बताना। और सिंपल, और हाँ ये भी मैंने लिया है, ये नॉर्मल वाटर फिल्टर है, सिर्फ इसमें सब्जी वगैरह वॉश होती है, फ्रूट्स वॉश करने के लिए। बज गए हैं 1:30, और यहाँ पे देखो चल रही है मस्ती सोने का। बाबू हाय शनो, आपको नींदू नहीं आनी है? नींदू नहीं आती आपको? आपको नींदू नहीं आती? नींदू नहीं आती आपको? मस्ती करना रहता टॉइंग। तो ये इसका गेम है, पहले ऐसा ये टमी टाइम जैसा आ जाती, फिर फ्लिप होके नीचे चली जाती है, और उसे बड़ा मजा आता है क्योंकि उसको पता है पीछे पापा है पकड़ने के लिए, है ना? हाय सोनू, क्या कर ले आप? आपको नींदू नहीं आती? आपको नींदू नहीं आती? दिन भर सो के लेते हो? हाँ दिन भर सोते हो, रात में नींद नहीं आती है? से एवरी, बोलो सबको गुड नाइट। गुड नाइट सबको बोलो। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।